अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बन सकेंगे या नहीं, इमरान खान साहब की पोजीशन क्या है और क्या वाकई ही इमरान खान साहब की यूनिवर्सिटी में मुखालफत की गई है, और अगर की गई है तो वो मुखालफत करने वाले कौन लोग थे और इमरान खान को कौन पसंद करता है और कौन नापसंद करता है, इस हवाले से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट फेडरेशन के जो स्टूडेंट्स यूनियन का जो सदर हैं उनका जनाब एक बयान सामने आया है। उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उन्होंने क्या हकायक बयान किए हैं, क्या तफसीलात बयान की हैं, वो सारी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में आपके साथ एक फुटेज मैं शेयर करूंगा जिसमें आपको दिखाऊंगा कि भाई किस तरह से गोरियों ने, बरतानिया में गोरियों ने एक बार फिर इमरान खान को कंधों पर उठा लिया है। इमरान खान के पोस्टर्स हर जगह उठाए और लहराए जा रहे हैं। खैर, ये सारी चीज़ें आपके साथ आज के वीलॉग में शेयर की जाएंगी, लेकिन उससे पहले एक बात आपको बताता चलूं, ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं, ये इतना झूठ फैलाते हैं, इतना इनका मकरूफ चेहरा है, इतना प्रोपेगंडा कर रहे हैं कि अब तो इनसे घिन आने लग गई है। और इसकी वारदात में, इसकी आड़ में ये दूसरी जानिब ये वारदाती है मुसलसल बारीक वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं और आगे चलकर भी इंशाल्लाह इनकी यही वारदातें इसी तरह से एक्सपोज करते रहेंगे। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर का इलेक्शन ना हो गया, पाकिस्तान में वजीर आजम का इलेक्शन हो गया या पाकिस्तान में पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टीज के दरमियान इलेक्शन हो गया, क्योंकि आज से पहले भी इमरान खान साहब चांसलर बन चुके हैं किसी एक यूनिवर्सिटी के, ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के। 8 साल तक चांसलर रहे, उसके बाद फिर जब वो सियासत में ज्यादा इन्वॉल्व हो गए तो टाइम ना दे पाए, तो फिर उन्होंने चांसलरशिप छोड़ दी थी। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन होने जा रहा है, लेकिन आप कोई पाकिस्तानी कोई न्यूज चैनल हो, न्यूज आउटलेट हो या फिर इंटरनेशनल, आप उठा के देख लीजिए बाकी उनके मध्य मुकाबल कैंडिडेट कौन है, कोई उनका नामो निशान नहीं है। हर जानिब इमरान खान, इमरान खान और इमरान खान हो रहा है। और मजे की बात आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में इमरान खान के हक में आर्टिकल्स आ रहे हैं कि इमरान खान साबिक वजीर आजम है, इस वक्त उनका, उनकी जनाब जाली तरीके से उनकी हुकूमत गिराई गई, उनका मैंडेट छीना गया और उनको पाबंद सलासल किया गया गैर कानूनी तौर पर, इस वक्त बगैर किसी मुकदमे के वो जेल में है। ये इंटरनेशनल आउटलेट्स ये खबरें दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि पाकिस्तानी उसे जो एंकर्स हैं वो डिसग्रेस्ड, जोर लगा लगा के डिसग्रेस्ड प्राइम मिनिस्टर, डिसग्रेस्ड प्राइम मिनिस्टर कह के पुकार रहे हैं और इस पर लंबी लंबी ट्रांसमिशन कर रहे हैं और मुंह से झाग उगल रहे हैं, राल टपक रही है। और इवन एक एंकर साहिबा तो इतनी इमोशनल और इतनी पर्सनल हो गई, तो वो कहती है कि यार खान साहब पाकिस्तान में भी इलेक्शन लड़ते हैं, उधर भी इलेक्शन लड़ते हैं, क्या खान साहब को जरूरत है, बेचारे बिलावल को मौका दे दें, बिलावल इलेक्शन लड़ रहे लें। तो बीबी पहले जरा जाके क्राइटेरिया तो चेक कीजिए और देखिए कि आपके चहीते बिलावल उस क्राइटेरिया को मीट भी करते हैं या नहीं करते। खैर, ये डेली मेल की खबर थी जिसके बाद ये सारा सिनेरियो बना। मोहसिन नकवी साहब का एक चैनल है 24 न्यूज, उस पर एक एंकर साहब है रेहान तारिक साहब, उनका अपना यूट्यूब चैनल देख लो तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कितना एंटी इमरान है। और फिर अगर आप चैनल को देख लो, चैनल की ऑनरशिप को देख लो, तो पता चलेगा कि मोहसिन नकवी कौन है, इमरान खान के साथ उसका क्या ताल्लुक है, और वो बंदा, उसका चैनल अगर इमरान खान के हवाले से कोई रिपोर्टिंग करेगा तो कैसे करेगा। खैर, उन्होंने जनाब लाइनअप किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है आई थिंक इसरार काकड़, उनको लाइन पे लिया। तो उनसे पूछा गया कि भाई यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जो गम और गुस्सा पाया जा रहा है, उसने कहा कि भाई यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने कहा कोई गम और गुस्सा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको इमरान खान की पोजीशन क्या लगती है, तो उन्होंने कहा फिर मेल्स, उन्होंने कहा ये मेल्स कौन कर रहा है, जब रेहान तारिक ने उससे पूछा, तो उसने कहा जी देखें जो भी स्टूडेंट्स होते हैं
उनका जो एक बैकग्राउंड होता है तो कहीं ना कहीं सियासी वाबस्तगियां तो होती हैं, तो उनमें से अगर किसी ने, किसी का कोई सियासी बैकग्राउंड है, कोई एप्लीकेशन दी हो तो माइट भी, वरना इसरार के पास भी जो यूनिवर्सिटी का अंदर रहता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है, उसके पास इस हवाले से कोई खबर, कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। फिर एंकर मौसूफ ने जब उनको पता चला कि कोई नहीं, फिर क्राइटेरिया पूछा, उन्होंने कहा जी देखो एक कमेटी होती है और सुप्रीम कोर्ट बार का जो प्रेसिडेंट होता है ना, एक्स प्रेसिडेंट, वो उसको हेड करता है वो कमेटी को, और वो कमेटी फिर स्क्रूटनी करती है और फिर वो देखती है कि कौन सा बंदा जो है वो इस पोजीशन के लिए कैपेबल है या नहीं है, उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, उसके अपने मुल्क में उसके क्या फंडे चल रहे हैं, ये असरअंदाज नहीं होते। तो फिर उससे इसरार काकर से डेली मेल की रिपोर्ट पर जो है वो खबर पर राय मांगी जा रही है, उसने कहा सॉरी मैं इस पर कोई अपनी राय नहीं दे सकता और कि भाई क्या सीन है क्या नहीं। हाँ बहरहाल एक उन्होंने कहा कि भाई एक खातून का उन्होंने नाम लिया और एक इमरान खान साहब का, उन्होंने कहा ये दो मजबूत तरीन कैंडिडेट्स हैं, इतना मैं आपको बता दूं, दूसरे इतने नहीं हैं। और सबसे जो फेवरेट कैंडिडेट इस वक्त कंसीडर किया जा रहा है, करार दिया जा रहा है, वो हैं इमरान खान साहब। अच्छा ये खैर जो चाहते थे वो तो नहीं उगलवा सके, ऐसा इनको कुछ नहीं मिला, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि यूनिवर्सिटी में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ और कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कहीं पूरी दुनिया में कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ सिवाय पाकिस्तान के और डेली मेल के। डेली मेल जो है वो एक जिस तरह का रेड जर्नलिज्म के हवाले से मशहूर है, और उस हवाले से जब उसने नवाज शरीफ साहब के और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ खबरें लगाई थी तो मरियम औरंगजेब साहिबा का ने जो लब कुशाई की थी डेली मेल के बारे में, वो इंटरनेट पर मौजूद है, वो कहती है कि भाई इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये तो मरियम औरंगजेब साहिबा क्लियर कर चुकी हैं, लिहाजा मैं उनकी बात को इंडोर्स करता हूँ। दूसरी जानिब हुजूर इमरान खान के हक में, वैसे तो ये नॉर्मली इलेक्शन होता है, यूनिवर्सिटी का एक इंटरनल मामला है और स्टूडेंट्स ऑफ एक प्रोसीजर है, ऑनलाइन वोटिंग करेंगे, जस्ट एक नोटिफिकेशन इशू होगा कि भाई इस डेट को हमारी वोटिंग है अक्टूबर में और आप वोटिंग में हिस्सा लें, ये कैंडिडेट हैं, बात खत्म। लेकिन इन लोगों ने, नून लीगियों ने जनाब इसको इतना बड़ा इशू बना दिया है और इतना बड़ा एक मुअम्मा बना दिया है कि अब इसके रिएक्शन में पूरा बरतानिया इमरान खान की कैंपेन पे लग गया है। बरतानिया की सियासी जमातें हों वो इमरान खान की कैंपेन कर रही हैं, बरतानिया के लोकल लोग हों, पाकिस्तानी निजात को छोड़कर जो गोरियां गोरे हैं ना वो इमरान खान की जनाब इस वक्त कैंपेन कर रहे हैं। आप बसेस में देखो, एक बस की जनाब फुटेज मेरे सामने आई थी, यहाँ कॉपीराइट का इशू हो सकता है इसलिए मैं वो शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैंने देखा कि एक बस के अंदर गोरियां हैं, तो यानी गोरियों से मुराद ये है कि ब्रिटिश खवातीन हैं, उन्होंने इमरान खान के पोस्टर्स हाथों में लिए हुए हैं, कुछ पर लिखा हुआ है रिलीज इमरान खान और कुछ वो ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के जब चांसलर थे तो चांसलर वाली और वो पूरे गाउन वाली वो तस्वीर है, और वो तस्वीरें उस पर हैं और जनाब वो पोस्टर्स उन्होंने उठाए हुए हैं और वो डिमांड कर रही हैं कि इमरान खान को रिलीज करो, और बहुत सारी जगहों पर इमरान खान साहब के लिए बाकायदा ब्रिटिशर्स की तरफ से कैंपेन्स लॉन्च की जा रही हैं कि वोट इमरान खान को देना है। और ना सिर्फ आम पब्लिक, जिस तरह से मैंने आपको बताया, चंद पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जो बाकायदा इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं, इतनी सपोर्ट तो वहाँ पे के जो नेटिव कैंडिडेट्स हैं उनको नहीं मिल रही जितनी इमरान खान को मिल रही हैं। और अब हमारे जो सो कॉल्ड तज्जियाकार हैं और सो कॉल्ड एंकर्स हैं और सो कॉल्ड साहबी हैं, उनको ये परेशानी खाई जा रही है कि कहीं इमरान खान वाकई ही चांसलर बन ना जाए, और चांसेस इसके बहुत ज्यादा हैं। दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा, चैनल आपका अपना है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए।